दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद जहां ठंड एक ओर लगातार बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत जो मिल रही थी वो भी अभी बरकरार हुई है। लेकिन जहां तक बात करें अगर प्रदूषण की और इसके अलावा स्मॉग और फादर की, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हम फिलहाल अक्षरधाम के पास बने जो फ्लाईओवर है वहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर से आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से पूरी तरह स्मॉग और फॉग की चादर में लिपटा हुआ अक्षरधाम मंदिर साफ तौर से दिखाई देगा। जैसे कि उम्मीद जताई गई थी कि आने वाले दिनों में जो फॉग है वो भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ स्मॉग है वो भी बढ़ सकता है। साफ तौर से तस्वीरें आप देख पाएंगे NH24 की, जहां पर इस वक्त सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं लेकिन अभी भी जो गाड़ियां हैं वो अपनी लाइटें ऑन करके चल रही हैं। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो सफदरजंग में 500 मीटर, वहीं पालम में 800 मीटर तक बनी हुई है। इसके अलावा अगर प्रदूषण की बात की जाए तो भारत सरकार के सफ़र इंडिया ऐप के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली का ओवरऑल AQI है वो जो बेहद गंभीर स्थिति थी उससे घटकर पुअर कैटेगरी में अभी भी बना हुआ है। आप मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे ये तकरीबन 300 के पास बना हुआ है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आज का जो अधिकतम तापमान वो तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तकरीबन 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से बारिश के अनुमान जो है वो भी लगाया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या ये बारिश आने वाले दिनों में ठंड के सितम को और बढ़ाएगी या फिर जो प्रदूषण से लगातार बेहाल दिल्लीवासी लगातार जूझ रहे हैं उसमें थोड़ी सी मदद और उनकी जो राहत भरी सांस वो अपने साथ बारिश लेकर आएगी। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP News दिल्ली।